हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पार्ट टू। पार्ट वन के विषय में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पार्ट टू आज हम देखेंगे। जैसा कि बताया गया था कि समय समय पर सरकारें बदली हों और अपने अपने अनुसार जो है पाठ्यक्रम को उन्होंने चेंज किया और अपने अपने ढंग से नीतियाँ लागू की, और हमारे देश में तो यही प्रक्रिया हमेशा चलती ही रहती है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 1968 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। उस पर जैसे ही अमल शुरू हुआ उसी समय जो है जनता दल सत्तारूढ़ हो गया 1977 में, और मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत कर दिया। और उसके बाद 1981 में पुनः केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और 1968 के अनुपालन में पद ही जोड़ दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने जो है अपने अनुसार जो है शिक्षा का कार्यान्वयन शुरू किया। उन्होंने कुछ नीति निर्धारण नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है उसके विषय में विशेष ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हर क्षेत्र में आंदोलनकारी एक तरह से कदम उठाए थे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा था कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है, इसका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और जो है पुनर्गठन होना चाहिए, परंतु इस बार ना तो किसी आयोग का गठन किया गया और ना ही समिति का। उन्होंने सर्वेक्षण कराया और शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नाम से अगस्त 1983 में एक तरह से प्रकाशित इसको किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों को सम्यक एक तरह से गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया गया था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया, इसके आधार पर वह इस प्रकार से है। एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित किया गया, और जिसके कुछ पार्ट हम देख चुके हैं उसके विषय में हम संक्षिप्त ध्यान केंद्रित करेंगे। जिसमें हमने देखा कि प्रथम भाग भूमिका है, जिसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन है, में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है और सभी प्रांतों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है। प्राथमिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध हो गई है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया को एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए एक तरह से अनिवार्य करने के साथ साथ उस प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है, और देश की आवश्यकता अनुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही है। परंतु साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ था, जैसा कि बताया गया था कि सरकारें बदलती रहीं और जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है। द्वितीय भाग में जैसा कि बताया गया था यह स्वीकार किया गया कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। ये मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम लोकतंत्रीय लक्ष्य स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरे भाग में बताया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के विषय में ये स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बनी रहेगी और बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो और सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए इसके लिए। साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या यानी कि कोर करिकुलम तैयार होना चाहिए, जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लेवलिंग निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक एक तरह से सुधार होना चाहिए। चौथे भाग में
समानता के लिए शिक्षा यानी कि समान होनी चाहिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और तरुणों की शिक्षा के लिए विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ हमने पांचवें भाग में देखा कि विभिन्न स्तरों का शिक्षा का पुनर्गठन, शिशुओं की देखभाल और शिक्षा में पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि कुपोषण की अधिकता है आज के समय में। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही ये घोषणा की गई है चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी। अब हम देखेंगे छठे भाग में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा पर जोर दिया गया और प्रबंध शिक्षा के महत्व को एक तरह से स्पष्ट किया गया, इसकी समुचित व्यवस्था पर भी बल दिया गया। सातवें भाग में शिक्षा व्यवस्था को कार्यकार बनाना, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक तरह से उपयोगी बनाना, कारगर बनाना, मेकिंग द सिस्टम वर्ल्ड में शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों को जवाबदेही निश्चित करने और विद्यार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया। आठवें भाग में शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना, में सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है। मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ गणित और विज्ञान को यानी कि जो गणित और विज्ञान की शिक्षा है उस पर विशेष बल दिया गया और स्वास्थ्य वर्धक क्रियाओं, खेलकूद आदि पर विशेष बल दिया गया है। और अंत में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव एक तरह से दिए गए हैं। नवे भाग में शिक्षक द टीचर, शिक्षकों के महत्व को इसमें स्वीकार किया गया है और उसके वेतनमान बढ़ाने और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षा प्रशिक्षण में सुझाव दिए गए हैं। दसवें भाग में शिक्षा का प्रबंध द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले स्तर पर जिला शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6% जनराशि यानी कि जो भी धनराशि है एक तरह से इस पर व्यय करने की एक तरह से घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्यारहवें भाग में संसाधन तथा समीक्षा रिसोर्सेज एंड रिव्यू में यह स्वीकार किया गया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित जो भी अनुमान लगाया गया धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस भाग में इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा को करनी चाहिए। 12वें और अंतिम भाग में भविष्य यानी कि द फ्यूचर में यह विश्वास प्रकट किया गया कि हम निकट भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे। अब हम इसी के साथ जो दस्तावेज है 1986 का, मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन POA, इसे कहा जाता है प्लान ऑफ एक्शन यानी कि POA। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं कि POA क्या है, तो POA प्लान ऑफ एक्शन है, कार्य योजना 1986 का दस्तावेज है नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों में विभाजित की गई, इसका वर्णन भी हम आगे बताएंगे, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का
दस्तावेज पहले दिया गया था वो बारह भागों में विभाजित था। अब जब सब कुछ हुआ, पुनरीक्षण हुआ, उसके बाद 24 भागों में इस दस्तावेज को दिया गया। अब क्या दिया गया इसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जिसमें प्रथम भाग में हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द्वितीय भाग प्रारंभिक शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा तथा ब्लैक बोर्ड योजना, एलिमेंट्री एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तृतीय भाग में माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय सेकेंडरी एजुकेशन एंड नवोदय विद्यालय, चतुर्थ भाग में शिक्षा का व्यवसायीकरण वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, पांचवें भाग में उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, छठे भाग में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन, सातवें भाग में ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की शिक्षा या कहें रूरल यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स, आठवें भाग में तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, नौवें भाग में प्रणाली को कार्यकारी बनाना मेकिंग द सिस्टम वर्क, दसवें भाग में उपाधियों की रोजगार से विलकता एवं मानव शक्ति का नियोजन, ग्यारहवें भाग में अनुसंधान तथा विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बारहवें भाग में नारी समानता के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, तेरहवें भाग में अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा, चौदहवें भाग में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, पंद्रहवें भाग में विकलांगों की शिक्षा एजुकेशन ऑफ द हैंडीकैप, सोलहवें भाग में प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन, सत्रहवें भाग में स्कूल शिक्षा की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया, अठारहवें भाग में मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार, उन्नीसवें भाग में युवा तथा खेल, इसी के साथ बीसवें भाग में भाषा विकास, जैसा कि भाषा पर प्रकाश विशेष रूप से डाला ही जाता है तो भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट, इक्कीसवें भाग में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य द कल्चरल प्रोस्पेक्टिव, बाईसवें भाग में संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तेईसवें भाग में शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण टीचर एंड देयर ट्रेनिंग, और 24वें एवं अंतिम भाग में शिक्षा का प्रबंध मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। ये जो 24 भाग किए गए हैं इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।